बार चर्चा यह है कि रविंद्र सिंह भाटी और अरविंद सिंह भाटी के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो इसका आपको कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा? सुबह बनने के लिए शाम को ढलना होता है, बनने के लिए मोती बर्फ को पिघलना होता है, हाथ पर हाथ धरे बैठे मत रहो तुम, क्योंकि पाने के लिए मंजिल हर इंसान को चलना होता है। पहली प्राथमिकता है कि यह कैंपस जातिवाद से मुक्त कैंपस हो। आपके एलिगेशन भी लगे थे, कुछ लोगों का कहना था कि मोती सिंह ने पैसे ले लिए हैं, कुछ लोगों का यह कहना था कि मोती सिंह को इसलिए राजी किया गया है कि अगली बार आपका नंबर आएगा। मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, मैंने तो अभी चलने का इरादा किया है, न कभी हारा हूँ न कभी हारूंगा, क्योंकि ये वादा मैंने किसी और से नहीं अपने आप से किया है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में जाट वर्सेज राजपूत होता आया है, मुद्दे शुरुआत होते हैं हम ये करवा देंगे, हर छात्र नेता यही कहता है, लेकिन फिर समाज पे आके टिक जाता है। लेकिन चुनावी ढकोसला है ये, अगर दीपक जी जाकर पिछले साल से लगातार तैयारी कर रहे थे, वास्तव में स्टूडेंट युद्ध की बात सोचते तो कभी का शुरू कर देते। अभी चुनाव में 10 दिन पहले अभी शुरू किए हैं जब एडमिशन प्रोसेस शुरू है, और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी और घोषणा के बाद में जिस दिन चुनाव हो जाएंगे उसके दूसरे दिन बाद आपको यहां रिक्शे दिख जाए तो आप मुझे बताना। केवल एंड केवल स्टूडेंट को प्रलोभन में डालने के लिए, दूर दराज से गांव से ढाणी से आ रहे हैं जो सामान्य परिवार से युवा आ रहे हैं उनको प्रलोभन में डालने के लिए, लेकिन युवा समझदार है कि ये प्रलोभन केवल चुनाव के बरसात के जो मेढक बरसात के टाइम दिखाई देते हैं, उनको ही पता है कि चुनाव के टाइम ये हमें दिखाई देते हैं, चुनाव के बाद ये कोई ई रक्षा वगैरह दिखाई नहीं देगा। मैं तो इस मारवाड़ की धरती पर रहने वाला, मेरे पूर्वजों ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी, उनका वंशज होने के नाते मेरा कर्तव्य और दायित्व ज्यादा बनता है। हमें सबसे ज्यादा दुख होती है कि मेरी मारवाड़ की धरती पर, मेरी अपनी धरती पर किसी बैन के साथ में गलत होता है, इससे बड़ी निंदनीय कोई घटना हो नहीं सकती है। आखिर मैं कार्य तो वही कर रहा हूं ना, धनबल पूंजीपत वाले लोग छात्र राजनीति के अंदर कुछ महीना पहले आ जाते हैं, लेकिन मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि एक छात्र राजनीति को एक आम व्यक्ति तक कैसे लाया जा सकता है, ताकि एक आम किसान का बेटा भी मन में उसके अंदर क्वालिटी है, उसके अंदर योग्यता है, और वह चाहता है कि मैं जयनारायण विश्वविद्यालय का छात्र नेता बनूं, जयनारायण विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष बनूं। कदम निरंतर चलते जिनकी सम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित ये परिणाम है। मनमुटाओं की जब आप बात करते हो, घर में भाई भाई के आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में पिता और पुत्र के आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में माता पिता का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में भाई भाई के दोस्तों दोस्तों के आपस में मनमुटाव होता है। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि परिवार परिवार से टूट गया है? ये छोटी मोटी बातें होती रही, ऐसे कोई नहीं, हम सब एक है और मजबूती के साथ में लड़ेंगे, और विश्वविद्यालय के 36 कौम के युवा साथियों को साथ में लेके विश्वविद्यालय के अंदर इस बार एक बार पुनः नया इतिहास रचेंगे। रविंद्र सिंह भाटी भी जब चुनाव में आए थे तो यही मुद्दे थे, अरविंद सिंह भाटी जब पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे तब भी मैं पूरा कवरेज करने के लिए आया था, तब भी मैंने यही मुद्दे सुने थे, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे क्यों भटक रहे हैं? फिर यही आप वही मुद्दे लेके आ रहे हो कि ये सुरक्षा का है, पिछली बार भी यही मुद्दे थे। खेल के क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा खेल की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, उसी तर्ज पर मेरा जयनारायण विश्वविद्यालय का युवा भाई और बहन, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन पूरे भारतवर्ष के अंदर करे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इसी की एक नई सीरीज है कैंपस पॉलिटिक्स। इसके अंदर हम छात्र नेताओं से सवाल करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे, और छात्र नेता यहीं से निकलकर एक प्रदेश की राजनीति में बड़ी पंचायत में जाते हैं और विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं और मुख्यमंत्री तक पहुँच जाते हैं और प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ऐसे ही कुछ छात्र नेता हमने देखे हैं हम हाँ इस वक्त जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो कि बहुत सी चर्चाओं में रहता है राजनीति को लेकर, छात्र राजनीति को लेकर। यहाँ से बड़े बड़े नेता निकले हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हो या अशोक गहलोत हो या फिर कोई और नेता हो, वो यहीं से निकले हैं। तो यहीं से हमारे साथ हैं मोती सिंह जोधा। मोती सिंह जोधा से जानने की कोशिश करेंगे, लगातार ये चर्चाओं में रहते हैं छात्र राजनीति को लेकर। नमस्कार सर, आपका RJTV24 में स्वागत है। नमस्कार, आपके इस चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम युवा साथियों को नमस्कार, मेरा प्रणाम। मोती सिंह, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से आते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, उन सब के बारे में। मैं जैसलमेर जिले में फलसुंड मेरा गाँव है, वहाँ से रहने वाला हूँ जी। और पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात करो तो मैं, मेरे पिताजी पेशे से अध्यापक है और हम 5 भाई 1 बहन है,
और एक छोटा सा परिवार है। जी, अपन पिछले चुनाव में भी मिले थे और काफी चर्चाएं हुई थी, लेकिन मैं अब इस बार 2023 के इलेक्शन है छात्र संघ के, उस बार भी आप बड़ी मजबूती से दावेदारी कर रहे थे, तो इस बार जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव की जो रणनीति है, कैसी चल रही है? बढ़िया, मजबूती के साथ में लगे हुए हैं। तमाम युवा साथियों का भरपूर प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और मजबूती के साथ में मैदान के अंदर सब भाइयों को साथ में लेके मैदान के अंदर डटे हुए हैं। क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं छात्र संघ चुनाव में, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि पहले रविंद्र सिंह भाटी रहे थे यहाँ से, लगातार 3 बार जो अध्यक्ष बने, फिर अरविंद भाटी आ गए और इस बार आप भी तैयारी कर रहे हैं और एक आप ही के समाज से एक नेता और हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं लोकेंद्र सिंह, तो कुछ लोगों का तो ये भी कहना है इस बार फिर भाटी सरकार होगी, तो आप इसे बीच में अपने आप को कैसे देखते हैं? देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें युवा शक्ति जो सब मिलकर जो तय करती है छत्तीस कौम की, वही बात होगी और युवा शक्ति ने पहले भी तय किया है, बाकी आप जो कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। आपने जब बात की मुद्दों की, क्या क्या यूनिवर्सिटी के अंदर मुद्दे हैं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही मुद्दों की, कोई भी छात्र नेता यहाँ तो स्टूडेंट की जो समस्या होती है, बिल्कुल स्टूडेंट की समस्या का समाधान करने के लिए ही जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर आता है ना, मुझे देखता है कि कोई ना कोई स्टूडेंट की जो समस्या होती है वो समस्या ही मुद्दा होता है। एक एक करके मैं आपके सामने बात रखता हूँ। बिल्कुल, हमारा विश्वविद्यालय 3 पार्ट में है, ओल्ड कैंपस, न्यू कैंपस और केएन कॉलेज। जी, 3 कैंपसों के अंदर जो भी समस्या है, मेरी जो पहली प्राथमिकता रही कि ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जहां दूर दराज से, ग्रामीण क्षेत्र से, गांव से, ढाणी से युवा यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ उम्मीदें होती है उन युवाओं की होती है, युवाओं के साथ में उनके अभिभावक की भी होती है कि मेरा बच्चा पढ़कर मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे देश का नाम रोशन करे, प्रत्येक अभिभावक का सपना होता है, उस सपने को साकार करने के लिए युवा यहां पर आते हैं। अब विश्वविद्यालय पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, पहला मुद्दा मेरा है कि इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, उसके साथ साथ में विश्वविद्यालय कैंपस, केएन कॉलेज की मैं बहनों की बात करूं तो केएन कॉलेज के कैंपस के अंदर मेरे बहनों के लिए अलग से कैंटीन की व्यवस्था हो ताकि बहनों को बाहर नहीं जाना पड़े। केएन कॉलेज की बहनों की बात करूं तो बहनों के लिए मेरी सुरक्षा की पूर्ण पुख्ता इंतजाम किए जाए, केएन कॉलेज के बाहर गार्ड की उचित व्यवस्था की जाए, अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, उसके साथ में केएन कॉलेज की अगर बहनों की मैं बात करूं तो जो बाहर से, गांव से, ढाणी से जो बहनें यहां आती है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो भी चाहती है पढ़कर कुछ आगे बढ़ना चाहती है और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती है, तो ऐसे सारी की सारी जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए यहां पर विद्वान लोग, गुणीजन लोग अलग से कोचिंग की फ्री व्यवस्था की जाए ताकि यहां से मेरी बहनें आगे बढ़कर इस देश का नाम रोशन कर सके, इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर सके। उसके साथ में तीनों कैंपस की अगर बात करूं तो खेल के क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा खेल की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, उसी तर्ज पर मेरा जयनारायण विश्वविद्यालय का युवा भाई और बहन, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन पूरे भारतवर्ष के अंदर करे। लेकिन वो कब होगा, जहां यहां पर अलग अलग गेम है लेकिन अलग अलग गेम के अंदर पूरी फैसिलिटी जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं हो, तो मेरी ये प्राथमिकता है कि अलग अलग गेम के अलग अलग कोच की व्यवस्था हो और मंथली लगातार उनको ट्रेनिंग दी जाए, उसके साथ में उनकी जो डाइट होती है जो स्टूडेंट की, वो डाइट की भी व्यवस्था भी विश्वविद्यालय प्रशासन करे ताकि यहां से एक अच्छे खिलाड़ी निकलकर इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करे। उसके साथ में विश्वविद्यालय के अंदर दूर दराज से, ग्रामीण क्षेत्र से यहां पर युवा जो हेड ऑफिस के अंदर कई तरह के अपने सब काम करवाने के लिए आते हैं तो उन्हें किसी न किसी माध्यम से सिफारिश करवानी पड़ती है। आप मुझे बताइए कि एक साधारण परिवार से आने वाला युवा कहां से सिफारिश करवाएगा? बिल्कुल, तो मेरी ये इच्छा है कि कोई भी युवा आए बिना कोई जाति देखे, बिना कोई धर्म देखे, बिना कोई सिफारिश, उस युवा का काम हो विश्वविद्यालय परिसर में एंट्री करते ही, यह मेरी पहली प्राथमिकता है। उसके साथ में विश्वविद्यालय की सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, विश्वविद्यालय के अंदर गार्ड की व्यवस्था नहीं है, विश्वविद्यालय की दीवारें टूटी फूटी पड़ी है, विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर झाड़ियां पड़ी है, न्यू कैंपस के अंदर देखो तो पूरा परिसर जंगल की वीरान जंगल की तरह बदला हुआ पड़ा है, वहां सारी की सारी झाड़ियां टूटी हुई पड़ी, पूरी झाड़ियों के अंदर बदला हुआ है, वहां कौन सी फैकल्टी कहां पर है, साइंस कहां पर है, आर्ट कहां पर, कोई पता नहीं चलता है। तो सारा का सारा एक सुव्यवस्थित ढंग परिसर बना के वहां पूर्ण तरीके से सब तरह की सुविधाएं, चाहे वो रोडों की सुविधा हो, चाहे वो लाइट की सुविधा हो, नियमित क्लासों की सुविधा हो, भवन निर्माण की सुविधा हो, वहां के छात्रावासों की जो व्यवस्था, केएन का छात्रावास हो, चाहे ओल्ड कैंपस के छात्रावास हो या न्यू कैंपस के छात्रावास की स्थिति देखें तो बहुत दयनीय स्थिति। जी,
तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर मैं एक प्रयास कर रहा हूं मैं, लेकिन सब छात्र शक्ति 36 कॉम के युवा मुझ पर विश्वास जताएंगे, तो उन सब युवा साथियों को साथ में लेके विश्वविद्यालय के अंदर एक ऐसा अमूल चूक नया परिवर्तन करेंगे, आने वाले समय में लगेगा कि राजस्थान का नंबर वन विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है। लेकिन वो कब होगा, जब एक आम छात्र की आवाज दूर दराज गांव से ढाणी से बैठे उसकी सोच कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के अंदर की हमारी आवाज को मजबूती के साथ में कौन उठा सकता है, कौन मजबूती से हमारी बात को रख सकता है, वही व्यक्ति रख सकता है जो इस परिस्थिति के अंदर गुजरा है। जी, एक आपने काफी सारे मुद्दों के अंदर बताए जवाब, लेकिन मुझे इन मुद्दों में बहुत से सवाल निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की, उसका दर्जा मिले, ठीक है, तो उसकी प्रोसेस क्या होगी जी, मैं एक चीज तो ये जानना चाहता हूँ जी। दूसरी चीज आपने सुरक्षाओं को लेकर बात की, तीसरी आपने जो ये मुद्दे बताए दीवारों के, उन सब के मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले आप मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रोसेस बताइए जी। देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा विश्वविद्यालय में जयनारायण विश्वविद्यालय की बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए भी कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। अगर हमारे विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है जी, तो यहाँ और भी कई तरह की यहाँ पर व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा, ताकि यहाँ के छात्र और पूरे भारतवर्ष के अंदर इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन होगा। कई तरह के अमूलचूल परिवर्तन, अगर हमारे विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है तो मुझे लगता है कि राजस्थान में नंबर वन विश्वविद्यालय बनने से इस विश्वविद्यालय को कोई रोक नहीं सकता, नंबर वन। नंबर टू, दूसरी बात आपने की कि ये सब सुरक्षा दीवारों की बात कर रहे हो, वो करो करेगा कौन, विश्वविद्यालय प्रशासन की बात सामने मैंने मजबूती के साथ में कई बात को इस विषय को रखा है, और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि विश्वविद्यालय के अंदर जो भ्रष्ट तंत्र बैठा है, जो स्टूडेंट के पैसे को कैसे ही करके पैसे को एक तरफ गायब कर देता है, स्टूडेंट के हित के जो पैसे है, स्टूडेंट की खरी कमाई के पैसे है, उनको लूटने का जो कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जो ईमानदार छवि के लोग हैं, जो छात्रों के हित की सोचते हैं, ऐसे लोगों को कुर्सी पे लाके जाके बैठाएंगे हम लोग, तब जाके विश्वविद्यालय के अंदर सुरक्षा होगी, विश्वविद्यालय के अंदर अमूलचूल परिवर्तन होंगे, ताकि मेरा युवा जो किसी न परिस्थिति गांव से डाणी से आता है, उस हर युवा का सपना साकार हो सके और उसे कहीं बाहर और जाने की जरूरत नहीं पड़े, उनके अभिभावक के मन में भी एक सपना है कि विश्वविद्यालय के अंदर, जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर मेरा बेटा प्रवेश ले जी। मेरे कुछ और सवाल है इसमें कि आपने बताया कि ये मुद्दे, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी भी जब चुनाव में आए थे तो यही मुद्दे थे। अरविंद सिंह भाटी जब पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे तब भी मैं पूरा कवरेज करने के लिए आया था, तब भी मैंने यही मुद्दे सुने थे, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे क्यों भटक रहे हैं, फिर यही आप वही मुद्दे लेके आ रहे हो कि ये सुरक्षा का है, पिछली बार भी यही मुद्दे थे, तो ऐसा क्यों हो रहा है बार? बिल्कुल आपने सही बात की कि अरविंद सिंह भाटी, रविंद्र सिंह भाटी या पूर्व की छात्र नेता, जितने भी छात्र नेता है, देखिए मुद्दे हर बार होते हैं और मुद्दे में हर छात्र संघ अध्यक्ष बनता है तो अपने अपने प्रयास पूरे प्रयास करता है, भरपूर प्रयास करता है, उसमें कई मुद्दे सॉल्व भी होते हैं और कई पीछे रह जाते हैं, तो उस मुद्दे में पीछे वाले जो छात्र नेता आते हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि हम क्या कर सकते हैं। कई मुद्दे से पूर्व रविंद्र सिंह भाटी की बात करो तो हमारे विश्वविद्यालय की जमीन को बेचा जा रहा था, 365 दिन में एक भी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन रविंद्र सिंह भाटी ने छात्रों के लिए आवाज को मजबूती के साथ प्रखरता के साथ में नहीं उठाया हो। विश्वविद्यालय की बात करें, अरविंद सिंह भाटी की बात करूं तो अरविंद सिंह भाटी ने शांत स्वभाव में रहते हुए विश्वविद्यालय में चाहे रोजगार मेला हो, विश्वविद्यालय में बहनों के लिए कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था हो, अलग अलग विश्वविद्यालय में किसी प्रकार से बाहर के कलाकारों को बुलाकर यहाँ हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो कलाकार है उनको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, वो अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि बाहर के कलाकारों को बुलाकर भी विश्वविद्यालय के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम करवाया जा सकता है ताकि हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिल सके। तो ऐसे सभी कार्य छात्र नेता, जितने भी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे, अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने अपने प्रयास किए और कई हद तक सफल भी हुए हैं, लेकिन अभी कई मुद्दे हैं जिनको लेके, जो मुझे लगता है जो मुद्दे अभी तक पूरे नहीं है, उन सबको लेके स्टूडेंट के सामने मजबूती के साथ में 36 कौम के युवा साथियों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद जो मिल रहा है, तो उससे मुझे और ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है, और उन सबको साथ में लेके समर्पित भाव से आगे बढ़कर हम एक नया इतिहास रचेंगे जी। रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़े, सारा समाज एक साथ था, फिर अरविंद सिंह भाटी मैदान में लड़े थे, तब आप भी सामने थे, फिर आप सब ने एक जगह आके दहलीज पे बैठ के एक समझौता किया और अरविंद सिंह भाटी को खड़ा किया जी। इस बार चर्चा यह है कि रविंद्र सिंह भाटी और अरविंद सिंह भाटी के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो इसका आपको कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। मनमुटाव की जब आप बात करते हो, घर में भाई भाई के आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में पिता और पुत्र के आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में माता पिता का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में भाई भाई के दोस्तों दोस्तों के आपस में मनमुटाव होता है, इसका मतलब यह तो नहीं हो गया कि परिवार परिवार से टूट गया है?
ये छोटी मोटी बातें होती रही, ऐसे कोई नहीं, हम सब एक है और मजबूती के साथ में लड़ेंगे और विश्वविद्यालय के 36 कौम के युवा साथियों को साथ में लेके विश्वविद्यालय के अंदर इस बार एक बार पुनः नया इतिहास रचेंगे। ये मान लिया जाए कि चुनाव के आते आते सब लोग एक तहलीज पे बैठ जाएंगे? नहीं, सब हम साथ मजबूती के साथ में उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में भी हम जो कार्य कर रहे हैं मजबूती के साथ में, क्योंकि कदम निरंतर चलते जिनकी सम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित ये परिणाम है, उस मजबूती के साथ में मैदान के अंदर टिके हुए। तो बड़े भाइयों का आशीर्वाद मार्गदर्शन सदैव मुझे मिलता रहता है, उन्हीं से मुझे ताकत और मजबूती मिलती है। अच्छा, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, एक मुद्दा आपका यह भी था, लेकिन आप पिछले दिनों की बात करें, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में महिलाओं के साथ रेप हो जाता है, वो मुद्दा भी देखा होगा, आपको ये भी पता होगा कि उसमें कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ता भी थे, आप जिससे संगठन से जुड़ाव रखते हैं, तो इसके भी कोई नुकसान होंगे आपको? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह घटना मानवता को शर्मसार घटना करने वाली घटना है। पहली बार पहले दिन भी मैंने इस घटना को देखा था, हम सब ने निंदा की है। और यही बात आपने एबी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दूर दूर से उस जो है रेपिस्ट, उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमने पूर्ण तरीके से इसका खंडन किया है। और मैं तो इस मारवाड़ की धरती पर रहने वाला, मेरे ही पूर्वजों ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी, उनका वंशज होने के नाते मेरा कर्तव्य और दायित्व ज्यादा बनता है। हमें सबसे ज्यादा दुख होती है कि मेरी मारवाड़ की धरती पर, मेरी अपनी धरती पर किसी बैन के साथ में गलत होता है, इससे बड़ी निंदनीय कोई घटना हो नहीं सकती है। आपको जानकारी होगी कि जब ये घटना हुई थी, उस घटना को पकड़ाने वाले कौन थे, उन लोगों को जिन्होंने ये गलत कार्य किया उनको जेल के सलाखों के पीछे डालने वाले कौन थे, और सबसे ज्यादा हमने सबसे ज्यादा विरोध किया उनके, उन बहन को न्याय मिलना चाहिए, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा मजबूती के साथ में हम ऐसे ही डटे रहेंगे। हमारी बहनों के साथ में, जो 36 कौम की बहनें मजबूती के साथ में हमारे पर विश्वास करती है, उनके हितों की रक्षा के लिए जब कभी भी लड़ना पड़ा मजबूती के साथ में उनके साथ में खड़े रहेंगे, किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। आप भी दावेदारी कर रहे हैं, आपके संगठन से और भी लोग हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर बात करें एनएसयूआई की, एनएसयूआई में काफ़ी दावेदार मैदान में है, ज्ञानोदय है और दीपक चौधरी है, महेंद्र चौधरी है। ऐसे ही बात करें तो एक दीपक जाखड़ का जो नाम है वो राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, इनके दादाजी है जो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि सामने मजबूत दावेदार है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर दीपक जी जाखड़ जो पूर्व सांसद बद्रीराम जी के पोते हैं, लेकिन चुनाव में ये कोई तय नहीं करता है। चुनाव में 36 कौम के युवा तय करते हैं कि विश्वविद्यालय का भविष्य क्या होना चाहिए। चुनाव में युवा शक्ति तय करती है कि कौन सा दावेदार है जो जीतने के बाद में कहीं लंदन नहीं चला जाए, छात्रों के बीच में 365 दिन कर छात्रों की आवाज को बनकर मजबूती के साथ में कौन उठा सकता है, ये छात्र शक्ति जानती है। तमाम छात्र शक्ति के दिल के अंदर जो होगा वो छात्र शक्ति तय करेगी। आखिर मैं कार्य तो वही कर रहा हूं ना, धनबल पूंजीपत वाले लोग छात्र राजनीति के अंदर कुछ महीना पहले आ जाते हैं, लेकिन मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि एक छात्र राजनीति को एक आम व्यक्ति तक कैसे लाया जा सकता है, ताकि एक आम किसान का बेटा भी मन में, अगर उसके अंदर क्वालिटी है, उसके अंदर योग्यता है और वह चाहता है कि मैं जयनारायण विश्वविद्यालय का छात्र नेता बनूं, जयनारायण विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष बनूं, उसके अंदर क्वालिटी है, तो वो कैसे कर सकता है, तो वही प्रयास मैं कर सकता हूं कि धनबल और पूंजीपत की इस राजनीति को एक आम छात्र तक लाऊं, ताकि आम छात्र की सपना भी साकार हो सके। और काफी हद तक मैं इसमें सफल भी हुआ हूं, क्योंकि 36 कौम के युवा साथियों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, वो भलीभांति जानते हैं कि दूर दराज से, गांव से, ढाणी से आने वाले युवा की आवाज को मजबूती से वही व्यक्ति जान सकता है जो इस परिस्थितियों में गुजरा है, इस कठिनाइयों में गुजरा है। तो 36 कौम की युवा शक्ति बड़ी समझदार है, उस बात को जानती है कि चुनाव जीतने के बाद भी हमारे साथ में 365 दिन रहकर हमारी समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है, ये 36 कौम की युवा शक्ति भलीभांति जानती है, समझती है, परखती है। जी, नए परिसर में एक जो है मतलब ई रिक्शा की व्यवस्था का मुद्दा है, जिसको दीपक जाखड़ ने अभी चुनाव से पहले करवा दिया है जी। तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि दीपक जाखड़ जो मुद्दे लेके चल रहे हैं उसमें से कुछ चीजें तो है जो चुनाव से पहले ही करवा दी हैं, तो कहीं ना कहीं उसको उनका बेनिफिट नहीं होगा? देखिए, चुनावी ढकोसला है ये। अगर दीपक जी जाखड़ पिछले साल से लगातार तैयारी कर रहे थे, वास्तव में स्टूडेंट के हित की बात सोचते, तो कभी का शुरू कर देते? अभी चुनाव में 10 दिन पहले अभी शुरू किए हैं, जब एडमिशन प्रोसेस शुरू है। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी और घोषणा के बाद में जिस दिन चुनाव हो जाएंगे उसके दूसरे दिन बाद आपको यहां रिक्शे दिख जाए तो आप मुझे बताना। केवल एंड केवल स्टूडेंट को प्रलोभन में डालने के लिए, दूर दराज से, गांव से, ढाणी से आ रहे हैं, जो सामान्य परिवार से युवा आ रहे हैं उनको प्रलोभन में डालने के लिए, लेकिन युवा समझदार है कि ये प्रलोभन केवल चुनाव के बरसात के जो मेडक बरसात के टाइम दिखाई देते हैं, उनको भी पता है कि चुनाव के टाइम ये हमें दिखाई देते हैं, चुनाव के बाद ये कोई ई रिक्शा वगैरह दिखाई नहीं देगा, आखिर चलना खुद को ही पड़ेगा। इसलिए युवा शक्ति इन ऑटो रिक्शा में, ई रिक्शा में ये संभलने वाली नहीं है, युवा शक्ति सब समझदार है,
वो युवा शक्ति इस झांसे में आने वाली नहीं है। युवा शक्ति को सब पता है कि कौन है जो स्टूडेंट की आवाज को बनकर हमारे साथ में, हमारी आवाज को मजबूती के साथ में कौन उठा सकता है 365 दिन। ये युवा शक्ति के दिल की आवाज जो निकलेगी, युवा शक्ति वही तय करेगी। जी, एक चीज और जानना चाहता हूँ, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय एक छात्र राजनीति में बहुत ही आगे रहता है, कहीं ना कहीं यहाँ से जो छात्र नेता निकलता है वो बड़ी पंचायत में जाके बैठता है, संसद में बैठे या विधानसभा में बैठे, यहीं से वो छात्र नेता निकलते हैं। रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो उनकी भी चर्चाएं हैं कि अगली बार 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो इस दौर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं जहाँ हूँ यहीं खुश हूँ। मैं भविष्य की कल्पनाएं भविष्य में नहीं जीता, मैं वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हूँ। और वर्तमान में जिस तरह से युवा साथियों का अभी तक मैंने तो चुनाव लड़ा है, उससे पहले 36 कौम के युवा साथियों का संपूर्ण राजस्थान नहीं संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर एकमात्र पहला छात्र नेता हूं जो चुनाव लड़ने से पहले 36 कौम के युवा साथियों का संपूर्ण भारतवर्ष में मुझे जो मान और सम्मान मिल रहा है, जो युवा साथियों ने जो दिल के अंदर जगह दी है, इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं भविष्य के अंदर जीने वाला नहीं हूं, वर्तमान के अंदर जीने वाला व्यक्ति हूं। और वर्तमान में जो कुछ युवा साथियों का प्यार और आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, मैं खुश हूं। आज से ठीक मतलब 15-20 दिन बाद में छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और ये छात्र संघ चुनाव शुरू तो मुद्दे से होते हैं पर फिर आकर कहीं ना कहीं जातिवाद पे, पार्टीबाजी पे आगे टिक जाते हैं। पिछली बार के चुनाव की बात करें तो जाट वर्सेज राजपूत का जो ये मामला हुआ था, उससे पहले भी जब जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में जाट वर्सेज राजपूत होता आया है, मुद्दे शुरुआत होते हैं हम ये करवा देंगे, हर छात्र नेता यही कहता है लेकिन फिर समाज पे आके टिक जाता है, तो इसमें आप अपने आप को मोती सिंह जोधा क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने पिछली बार भी चुनाव की जब घोषणा हुई थी, मीडिया वाला ने पूछा तो मैंने यही स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा था, मेरी पहली प्राथमिकता है कि यह कैंपस जातिवाद से मुक्त कैंपस हो। विद्यारूपी मंदिर में प्रवेश करने के बाद में किसी भी व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती है। विद्यारूपी मंदिर के अंदर सभी छात्र, सभी भाई और बहन मिलकर विश्वविद्यालय के अंदर एक नया कीर्तिमान कैसे स्थापित कर सकते हैं, यह हम सब मिलकर कर सकते हैं। लेकिन आपने जब बात कही कि जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर दो जातियां आपस में चुनाव लड़ती है, मैं इस बात को नकारता हूं। केवल जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर दो जातियां नहीं लड़ती, आप राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्र के अंदर देखिए, भिन्न भिन्न जिलों के अंदर देखिए, हर जिले के अंदर अलग अलग समीकरण होंगे। जयपुर के अंदर देखोगे तो अलग समीकरण होंगे, आपके सीकर के अंदर देखोगे तो अलग समीकरण होंगे, उदयपुर के अंदर देखोगे तो अलग समीकरण होंगे, उधर गंगानगर के अंदर देखोगे तो अलग ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ की चुनाव के पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होता है, विश्व राजस्थान का सबसे रोमांचक चुनाव यहाँ पर होते हैं, सबकी नजर यहाँ पर होती है। लेकिन जब दो जातियों की बात करते हैं तो यहाँ दो जातियां अपेक्ष पद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ती है, लेकिन पैनल के अंदर सभी जातियों को बराबर समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। और यहाँ पर 36 कौम के युवा साथी मिलकर अध्यक्ष चुनते हैं, ना कि एक जाति चुनती है, सब जातियां मिलकर अध्यक्ष चुनती है, तब जाके कोई अध्यक्ष बनता है। और इसका मतलब आप ये बड़े भलीभांति बता सकते हो कि 36 कौम के युवा अगर किसी पर विश्वास करते हैं तो मतलब मुझे नहीं लगता कि दो जातियां आपस में चुनाव। पिछली बार आपको भी समाज के प्रेशर की वजह से ही बैठना पड़ा था। बिल्कुल, आपने बात कही कि हम समाज की जब बात करो, सोसाइटी की, तो सोसाइटी की अपनी अपनी जगह भूमिका रहती है, कोई भी सोसाइटी हो, समाज की पंचायत हुई थी उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि आप वापस फोरम उठा रहे हो और एक जगह आ गए हो। जी, निश्चित तौर पर मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि वहाँ अपनी अपनी सोसाइटी की भूमिका रहती है, लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर पिछली बार की आप जाबत को मैं मजबूती के साथ में युवा साथियों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा था, लेकिन हम दो भाई तीन भाई मैदान के अंदर थे। बड़े भाई अरविंद सिंह भाटी का लास्ट साल था और युवा साथी ने, 36 कौम के युवा साथियों ने, समाज के प्रबुद्ध नागरिक जनों ने यह तय किया कि इनका लास्ट साल है, आप सबको एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए। तो इसी भावना में समय काल परिस्थिति जो भी देखो, हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा विश्वविद्यालय के अंदर। आप जब देख रहे हो अरविंद सिंह भाटी छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर हमारे बीच में, लेकिन उन सबके बीच में कुछ आप पे एलिगेशन भी लगे थे। कुछ लोगों का कहना था कि मोती सिंह ने पैसे ले लिए हैं, कुछ लोगों का यह कहना था कि मोती सिंह को इसलिए राजी किया गया है कि अगली बार आपका नंबर आएगा, तो इन सबके बारे में क्या कहना है फिर? देखिए, मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, मैंने तभी चलने का इरादा किया है, न कभी हारा हूं न कभी हारूंगा, क्योंकि ये वादा मैंने किसी और से नहीं अपने आप से किया है। आपने जो मुझ पर आरोप लगा है, प्रत्यारोप लगाए, जो कुछ भी कहो, ये सोशल मीडिया के अंदर यही, हाँ बिल्कुल, कई लोग मेरे पास पहुंचते हैं, समय आने पर इसका भी जवाब देंगे। आपने कहा ऐसा कुछ होता, पैसा लेके अगर बैठना ही होता तो आप मुझे बताइए दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा छात्र नेता होगा
कि चार दो दिन पहले 22 को 26 को चुनाव थे और 23 के अंदर दो दिन पहले कोई बैठता है जिसके साथ में युवा शक्ति और उसके बाद में बैठता, ऐसा मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी छात्र नेता होगा जो भी पूरी अपनी मेहनत करने के बाद में विश्वविद्यालय के अंदर, मुझे लगता है आप भी अगर छात्र संघ का चुनाव लड़ते और आपको कहे दो दिन पहले दो दिन बाद चुनाव और आपको कहे आप बैठ जाओ तो आप क्या, आपका क्या जवाब होगा? आपका छोड़ता हूं। तो ये चुनाव के अंदर लोगों के जो कहने हैं, लोगों की जितनी मुंह उतनी बातें हैं, समय आने पर इसका भी जवाब देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मजबूती के साथ में युवा साथियों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद था। समाज के प्रबुद्ध नागरिक जनों ने एक निवेदन किया कि लास्ट साल है आपको बैठना चाहिए, तो वो ऐसी बात एक समझी से बैठा कर दोनों फैमिली के बीच में जो हुआ था वो तय। तो क्या इस बार भी वो समाज एक जाजम पर आएगा जी? क्या वो समाज इस बार भी एक जाजम पर आएगा? निश्चित तौर पर समय का आप देखते रहिए कि आगे आगे होता है क्या। मजबूती के साथ में अब तो हम सभी मैदान के अंदर डटे हुए, सब भाई अपने अपनी मेहनत कर रहे हैं, डेट तो आने दीजिए, उसके बाद में जो होता है देखा जाएगा जी। आप आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के छात्र नेता और छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसी सोच जो कि युवाओं को दिल तक टच करे? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हो, जातिवाद से ऊपर उठकर सब मजबूती के साथ में दिल की भावनाएं रखे, आपस में समझे बैठा कर, भले ही आपस में एक दूसरे के प्रति विपरीत चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए और आपने मजबूती के साथ में एक ऐसा कार्य करिए जिससे अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने समाज को, अपने देश का नाम रोशन हो। इसी भावना को मन में लेके जिस किसी क्षेत्र के अंदर अगर आप जाओ तो मन में पीछे मत हटना, जिस क्षेत्र के अंदर एक बार फील्ड को पकड़ दिया उस फील्ड के अंदर हमेशा आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि सुबह बनने के लिए हर शाम को ढलना होता है, बनने के लिए मोती बर्फ को पिघलना होता है, हाथ पर हाथ धरे बैठे मत रहो तुम, क्योंकि पाने के लिए मंजिल हर इंसान को चलना होता है, पाने के लिए मंजिल। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रमोद सिंह जी जोधा, जो कि अपने बेबाक भाषणों के लिए जाने जाते हैं और शायराना अंदाज में हर चीज का जवाब देते हैं कि अगले को समझ में भी ना आए और समझ में भी पूरा आ जाए, क्योंकि मोती सिंह जोधा से हम पिछली बार भी मिले थे तो मोती सिंह जोधा का यही बेबाक अंदाज था और इस बार भी यही ऐसा बेबाक अंदाज देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का किंग कौन होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप आरजे TV24 पर राजस्थान की चुनावी यात्रा की एक सीरीज चल रही है कैंपस पॉलिटिक्स, उसमें आप जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं किसी ना किसी एक नए छात्र नेता के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।